हेलो दोस्तों, कैसे हैं आज? आज हम बनाने जा रहे हैं मूली का अचार। मूली के अचार के लिए मैंने दो बड़े मूली लिए हैं और थोड़ा मैंने जिंजर लिए है और थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली। अगर आप डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। सिर्फ मूली लेना है तो आपकी मर्जी, मूली मूली की भी बना सकते हैं। इसके लिए चाहिए हमें थोड़ा सा राई। राई को अभी मैंने भूनना है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा जीरा लिया है, इसको भी मैं थोड़ा सा रोस्ट करूँगी। बस अब यहाँ में एक पैन लिया है मैंने, उसके बाद मैं रोस्ट डालती हूँ राई। बस अभी हमारा राई हो चुका है। अब अभी मैंने राई को इसमें डाला है पीसने के लिए, अभी मैं थोड़ा सा इसको पीसूँगी। अभी जीरा भी हमारा हो चुका है, जैसे मैंने राई भुना था वैसे ही। मैंने अभी जीरा और राई को ग्राइंड किया हुआ है, अभी मैं बनाने जा रही हूँ। बस अभी हम मिक्स करेंगे मूली का अचार। बस मैं जो राई ग्राइंड किया था, जो भून के, वो डाल रही हूँ। अभी तीन बड़े स्पून राई जो मैंने पीसा था ग्राइंड करके, वो डाला है। उसके बाद मैं डालूंगी जीरा जो मैंने ग्राइंड किया था वो भून के। 1.5 चम्मच मैंने जीरा डाला है। 1/2 चम्मच में डाल रही हूँ रेड चिल्ली पाउडर। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच में डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। अभी मैं नमक डाल रही हूँ। उसके बाद मैं डालती हूँ सरसों का तेल। इसमें सरसों का तेल लेना, क्योंकि दूसरा तेल नहीं डालना, सरसों के तेल में ज़्यादा टेस्टी होता है। अभी हम इसको मिक्स कर देते हैं। बस ये अभी हमारा ये अचार मिक्स हो चुका है। बस एक कांच का बोल लेना है आपने, बस इसमें आप डाल दीजिए। बस मैंने ये मैं ढक्कन बंद करती हूँ। इसको टाइट ढक्कन बंद करना है आपने। 3 दिन तक आपने इसको धूप में रखना है, ताकि ये थोड़ा सा 3 दिन के बाद आपको खाने का हो जाएगा। हिला हिला के आप धूप में रखना। बस हमारा अचार रेडी है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करना, चाहे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।